हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। ज्योति भारती खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंस्टेंट ढोकला बनाना बताऊंगी, वो भी सूजी से। कई लोग उस सूजी को रवा भी कहते हैं। तो देखिए, ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी बनता है और बहुत ही ईजी तरीके से कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। तो चलिए, अब देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हमने डाला है 1 कप सूजी। आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ। साथ में हमने 1 कप दही लिया है और इसे हमने सूजी में मिक्स कर दिया है। इससे ये होगा कि सूजी जो है वो बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी और हमें इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम सूजी और दही को मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा सूजी और दही मिक्सचर जो है वो गाढ़ा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें इसका एक थिक बैटर तैयार करना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक कंसिस्टेंसी हमें इस टाइप की चाहिए, इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। अभी भी हमें थोड़ा सा गाढ़ा लगा है तो हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। तो देखिए, इस तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते हुए आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये दिखने में एकदम परफेक्ट लग रहा है। हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम जब तक ये सेट होगा तब तक हम एक तपेली के अंदर गैस पर पानी रख दिए हैं। आधी तपेली हमने पानी रखा है, उसके अंदर आप चाहें तो आपके पास स्टैंड है तो वो रख सकते हैं। मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने कटोरी रखकर इसे ढककर रख दिया है। गैस की फ्लेम हमने हाई रखी है और अब इसका उबलने का वेट करते हैं। तब तक हम इसके लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये ऑप्शनली है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप रवे से बना सकते हैं। यहाँ पर गैस पर पैन रख दिया है मैंने। 1 चम्मच तेल डाला है, आधी चम्मच हमने राई डाला है, आधी चम्मच जीरा डाला है। और देखिए, इस तरीके से हमने तड़का तैयार करके जो हमने बैटर बनाकर रखा था उसके अंदर डाल दिया है। इससे ये रहेगा कि हमारा जो ढोकला बनेगा उसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें हमने आधा चम्मच नमक मिक्स कर दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है और इसके अंदर जो हमने तड़का लगाया है उससे जो हमारा ढोकला है वो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं इनो का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप सोडा भी ले सकते हैं। तो आधा चम्मच हमने यहाँ पे इनो ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। इनो आप तभी मिक्स करें जब आपका जो बैटर है वो 15 मिनट के बाद परफेक्ट हो जाए। 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद जब आप इसे ढोकले को स्टीम के लिए रख रहे हैं तभी आप इनो डालिए या सोडा डालिए। तो यहाँ पर हमने एक केक पैन ले लिया, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। तो इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है अच्छे से। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है बैटर। देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, पानी में भी उबाल आने लग रहा है। 2 मिनट और लगेगा, पानी अच्छे से उबल जाएगा। तो देखिए, पानी में उबाल आने लगा है। अब हमने जो ढोकले का बैटर तैयार करके रखा था उसे भी इसके अंदर रख दिया और एक ढक्कन से कवर कर दिया है। 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है। 15 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक छुरी से चेक किया है तो छुरी के अंदर कुछ भी नहीं चिपका है, मतलब हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल देंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही गर्म होता है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे उल्टा कर कर, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। और देखिए, मैं इस तरीके से प्रेस करते हुए ढक्कन को पीछे से दबा रही हूँ, इससे ये बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। आपको कोई भी बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, पैन के अंदर कुछ भी नहीं चिपका है। तो यहाँ पर मैं आपको दबा के दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा स्पंजी और बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। ये एकदम परफेक्ट ढोकला बनकर तैयार हुआ है। एक प्लेट हमने उल्टा कर कर इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने प्लेट लगाकर इसे पलट लिया है तो हमारा ढोकला फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए आप कितना स्पंजी बना है। अब हम इसे एक छुरी की सहायता से कट कर लेंगे। आप जो भी शेप देना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसे डिज़ाइन दे सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट करूँगी और हम सिंपली जो चोकर शेप होता है वैसे ही हम इसे काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही आराम से इसे हम काट लेंगे। आप कभी इस तरीके का रवे का ढोकला आप बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होता है और इजी ब्रेकफास्ट है। आप कोई भी काम करते करते ये ढोकला एक साइड बनाने रख सकते हैं और बनकर बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया है, 1 चम्मच ऑयल हमने इसमें ऐड किया है, गैस की फ्लेम हमने लो ही रखी है। अब हम तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हमने आधा चम्मच मस्टर्ड सीड मतलब राई डाला है। राई के तड़कने का हम इंतज़ार करेंगे।
ढोकले के अंदर करी लीव्स और हरी मिर्ची का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही टेस्ट देता है। तो यहाँ पर दो हरी मिर्ची को हमने बड़े साइज में, लंबे साइज में काट के रखा था, और चार पांच हमने करी पत्ते फ्रेश घर के ही तोड़ कर रखे थे, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर देंगे। इसे जलाना नहीं है, केवल हल्का सा गोल्ड कलर ले ले तब तक हम इसे पकाते हैं। तो देखिए अच्छे से ये पक गया है। अब हमने इसमें डाला है आधा ग्लास पानी। पानी उबलने के बाद 1/4 ग्लास हो जाएगा, इसलिए हमने आधा ग्लास पानी लिया है। हमने इसमें ऐड किया है टेस्ट के लिए 1 चम्मच शुगर और 1/4 चम्मच हमने इसमें सॉल्ट डाला है, क्योंकि हम पहले भी बैटर बनाते समय सॉल्ट ले चुके हैं, डाल चुके हैं। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे तो इसका जो पानी है वो कम होते जाएगा। हम इसे 1/4 कप पानी होने तक पका लेना है अच्छे से। इससे यह होगा कि नमक और शक्कर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारा तड़का बनकर तैयार है। अब हमने जो ढोकला काट कर रखा है उसके ऊपर हम इस चम्मच की सहायता से इसे स्प्रेड कर देंगे, और पानी और दोनों जो हमने तड़का बनाया है वो पूरी तरीके से डालेंगे, ताकि ढोकले के अंदर तक इसका जो टेस्ट है वो पहुंच जाए। नमक और शक्कर का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर सारे तड़के को डाल दिया है और पानी भी इसके अंदर अच्छे से पहुँच गया है। इससे क्या होगा, हमारा जो ढोकला है वो थोड़ा जूसी हो जाएगा, एकदम सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट और अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे कुछ हरे धनिए की पत्ती के साथ। तो मैंने ऊपर से हरे धनिए की पत्तियों को देखिए स्प्रेड कर दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी और यमी बना है। आप इस ढोकले को एक बार जरूर ट्राई करिए। आप बेसन का ढोकला तो हमेशा खाए होंगे, लेकिन एक बार रवे का ढोकला आप बनाकर देखिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।